अरे भाई आजकल ना लव मैरिज करना भी बहुत गलत है, क्योंकि आजकल लव मैरिज में ना लड़की के घर वाले पैसे मांगते हैं, ताकि लड़कों को मिलते हैं पैसे शादी के लिए। वाह भाई वाह, क्या जिंदगी है, इससे अच्छा ना तो मुझे जीना ही नहीं है, मर जाऊं मैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे मैंने रखे थे उसको घुमाने के लिए ले जाऊं कोई बाहर दो चार महीने के लिए, क्या करूं, सारे पैसे उसका बाप ले लेता है, बहुत खड़ूस है, गरीब कहीं का, देने तो पड़ेंगे क्योंकि वो प्यार किया बेटा और प्यार पड़ता है बहुत महंगा। इस डिब्बे में ना मैं पैसे लेके ना मंडप में पहुंचूंगा, ताकि कोई शक भी नहीं करेगा इतने सारे पैसे लेके आया है। ये बात सही है, ठीक है। अरे छोटू, हां साहब, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे कुछ ना साहब, मैं झाड़ू लगाने आया था। झाड़ू लगाने आया तो इस जगह पे झाड़ू लगाएगा, और कोई जगह नहीं है तेरे पास झाड़ू लगाने के लिए, तुझे पता भी है कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। साहब सब जगह झाड़ू लगा के आया था, यही जगह बची थी, मैं सीमेंट मार रहा था। अच्छा अच्छा, तूने कुछ देखा तो नहीं ना? मैंने क्या देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो सही है, तो सही है, ठीक है ठीक है, तू अपना झाड़ू लगा, और इस बॉक्स से ना टच मत करियो आज बिल्कुल भी। मैं क्यों हाथ लगाऊं, मेरे को क्या मतलब पड़ रहा है? हाँ समझदार है, समझदार है, ठीक है ना, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, बहुत जरूरी। हाँ? तेरी होने वाली मालकिन के लिए ना कुछ ज्वेलरी लेके आनी है, तो वहाँ सुनार के पास में जाके ना डिजाइन देखने जा रहा हूँ मैं। क्या बात है साहब, सुनार के पास जा रहे हो आप? हाँ क्या हुआ? अरे मैं तो सोच रहा था आप मेरे लिए कुछ भी लाओगे। तो तेरे लिए ले आऊंगा, क्या लेके आऊं बता? आप एक अंगूठी दे दो, आपने आज तक कुछ भी नहीं दिया मेरे लिए, तो आप सोचो आपकी जो मेरी घरवाली है ना, तो वो भी आपको याद करेगी। अरे लंबू चुपचाप बैठ जा, तुझे अंगूठी दे दूं, पता है एक अंगूठी में ना मेरी सारी सिलटी जाएगी, जूते का नेक सिलटी जाएगा, अपनी औकात में रहके मांगा करना, कच्चा ले आऊंगा तेरे लिए, जैसे ये लेके आया था संडे मार्केट से। क्या बात है, कच्चा आएगा 10 रुपए का, आप एक अंगूठी में घबरा गया हमारे लिए? 10 रुपए बहुत है तेरे लिए, अब फालतू की बकवास मत कर, ये घर ना मैं तेरे पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर रहियो, मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। साहब एक काम करना, एक चांदी का सिक्का ले आना, वो आपकी पहचान बन जाएगी हमारे लिए। हाँ चल ठीक है इतना कह रहा है तो ले आऊंगा, मैं ना भी वॉशरूम जा रहा हूँ, पर डिब्बा नहीं साहब, कोई वो नहीं, दूर, बिल्कुल समझदार है। क्या बात है वीर, अब तो तेरी लाइफ बन जाएगी, अब नौकरी क्या करनी, अपने बीवी बच्चे आराम से ऐसी जिंदगी काटेंगे, करनी तो इन्हें नौकरी करनी है, लाखों करोड़ों रुपए, इनको क्या पता कौन ले गया, और मैं इसके पास इनके हाथ नहीं आऊंगा, अलग भाग जाऊंगा, बहुत दूर आ जाऊंगा। चले कोई आप होने का देख तो लूं पहले, चलो रुक जा बेटा, इतनी है जल्दी तू जाने की? पुलिस आप कैसे यहाँ आ गए? मैं यहाँ पे कैसे आ गया, अभी सब बताऊंगा, इधर आ जा मेरे पास, इधर आ छोटे डॉन, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, मार्टिन आ जा। देख लिया अपने घर के प्यारे से नौकर की करतूत? देख ली भाई, तू ना बिल्कुल सही बोल रहा था, एक दिन पहले भी इसने चोरी की थी, वो तेरी आंखों के सामने की थी, तूने उसकी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा एक बार इसको माफ कर देता हूँ, पर ये माफ करने लायक नहीं है, आज ना ये कम से कम 50 लाख रुपए को लेकर रफा दफा हो रहा था, क्या है लम्बू ये? अरे साहब आपको गलत फहमी हो रही है, तो साइड में रखने जाया था, मुझे क्या पता ये आ जाएंगे, डर पे गया। अच्छा डर गया, तू इस डिब्बे को यहाँ पे कहाँ पे साइड में लेके आ रहा था, तुझे तो पता थी ना इसमें बहुत सारे पैसे है। साहब मेरे को क्या, मैं इसे फ्रिज पर रख रहा था ना। अबे ओए लम्बू अपनी बकवास बंद कर ले, यहाँ पर तू कैसे तरीके से बात कर रहा था, मैं सारी की सारी सुन रहा था, बाथरूम में खड़े हो गए ना, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, बाथरूम को ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से ये रहा 2 कदम में, तो तू क्या सोच रहा था मुझे सुनाई नहीं देगा, अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप बता दे ये पैसे चोरी करके ले जा रहा था ना तू। अरे मार्टिन अभी क्या बताएगा, मैंने तो उससे कहा था ना कि जो तेरे घर पे नौकर है इसको मैंने पहले भी अपनी जेल में बंद कर चुका हूँ, और एक बार मैं अपनी नजरों में किसी को बसा लूँ ना तो मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, यही था वो जिसको मैंने क्राइम करते हुए पकड़ा था, और ये तेरे घर में अब बैठा हुआ था, तुम जैसे लोग ही होते हो जो क्राइम को बढ़ावा देते हो, अगर तूने इसको अपने घर में रखा था इसका तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन कराते तू। अरे भाई तेरी बात ठीक है, पर मैंने तो ये सोचा था कि एक शकल के 7 अजूबे होते हैं, शायद उसकी जैसा होगा ये, पर ये तो एक ही अजूबा निकला। साहब सही कह रहे हो, इनका गलत फहमी हो गई है, मेरा ज्यादा आपको दूसरा भाई होगा ना। अच्छा प्रिंस तू इसको थाने लेके जा, जब ये सच्चाई उगलेगा, क्योंकि यहाँ तो ये उगलेगा नहीं क्योंकि ये मुझसे डर नहीं रहा है, इसको थाने ले जाके ना डंडे लगाइयो, जब ये बताएगा कि इसने क्यों किया, जब इसकी अकल ठिकानी आएगी, जब बताएगा ये सारी चीज सच सच। अरे तुझे नहीं पता मार्टिन, मुझसे कमिश्नर साहब ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके, ये छोटी कद के लोग ना बहुत बदमाश होते हैं, इनको ना अब मैं देखूंगा, इसकी पहले हाइट लंबी कराऊंगा, बांस बल्ली लगवा के। अरे एक चीज तो बताने दे इसको, ये डिब्बे में तू क्या सोच रहा था पैसे, बेटा इस डिब्बे में एक भी पैसा नहीं है, मैं तो बस तेरा ईमानदारी का ये टेस्ट ले रहा था, मैं तो बस तेरी ईमानदारी देख रहा था, क्योंकि एक बात तो तूने मेरे साथ में धोखा कर दिया, मैंने सोचा इस बार समझ जाएगा बेचारा, फिर मैं इससे कुछ नहीं बोलूंगा, पर तू ना नहीं संभला है, तेरी आदत बिल्कुल खराब है, प्रिंस लेके जा, तू इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चल बेटा आ जा। साहब गलती है माफ कर दो, आ जा मेरे प्यारे बच्चे, चल